सर्दियों का सीजन है यानी कि तरह तरह के पराठों का सीजन, लेकिन इन पराठों का राजा है आलू का पराठा। भले ही हम कितने तरह के पराठे खा लें, लेकिन सबसे ज्यादा आलू का पराठा ही पसंद किया जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फूले फूले आलू के पराठे। ये हमने उबले हुए चार आलू लिए, इनका छिलका उतार दिया, इनको कद्दूकस कर लेते हैं। इससे करेंगे आलू कद्दूकस, करने से चीज़ों में बनाने में आसानी रहती है। इस तरीके से चारों आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। आलू कद्दूकस कर लिए, हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई, प्याज डालेंगे बारीक टुकड़ों में काट लिए एक प्याज हमने, और ये धनिया डालेंगे, एक चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, दो चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, एक चम्मच नमक डालेंगे, एक चम्मच अजवाइन डालेंगे। इसको हम हाथों से क्रश करेंगे, ये खाने में पचाने में बहुत अच्छी रहती है। सारी चीज़ों को मिला लेते हैं, मसालों को आलूओं के साथ, आलू प्याज धनिया मसाला। हाथ से मिलाने से अच्छे से मिलते हैं मसाले और आलू, चम्मच से अच्छी तरीके से मिलते नहीं हैं। जब भी इसमें स्वाद आएगा बढ़िया सा, जो भी चीज़ बनाएंगे इसमें बड़ा स्वाद आएगा। फिर मसाले सारे मिला लिए, इसको और भी चटपटा बनाने के लिए हम चाट मसाला डालेंगे एक चम्मच। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। मसाला हमारा तैयार हो गया है। आटा हमारा ये सवेरे का गूंदा हुआ था, ये हमने ले लिया है, नहीं तो आप एक सॉफ्ट आटा गूंद लीजिए नमक डाल के, उसके पराठे बहुत बढ़िया बनते हैं। या आपके पास रखा हो तो पहले का आटा लेके बना सकते हो। एक पेड़ा निकालेंगे इसमें से, रोटी के पेड़े से थोड़ा सा बड़ा लेंगे, सूखे आटे में डिप करेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा बेलेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा हम घी लगाएंगे, पेड़े पे हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे आटे के, और ज़्यादा सा आलू लेके हम इसमें भर देंगे, और जिस तरीके से मोमोस भरते ना उस तरीके से हम इसको इस तरीके से भरते जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम निकाल देते हैं, ये देखिए इसको दबा दो, थोड़ा सा हाथ से इस तरीके से करेंगे तो हमारे आलू के पराठे कभी फटेंगे नहीं और एकदम बढ़िया बनेंगे। सूखे आटे में डिप करेंगे, सूखे आटे में लगा लिया हमने, हल्के हाथों से हम पराठे को बेलेंगे, आलू के पराठे सबसे बढ़िया हैं, सारे पराठों में आलू का पराठा बेस्ट होता है, हर किसी को पसंद आता है आलू का पराठा। जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं उतना आराम से बढ़ा सकते हैं, आलू के पराठे कभी नहीं फटते। ये देखिए तवा हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा इसमें घी लगाएंगे, आलू के पराठे को ऐसे डाल देंगे। एक पेड़ा और लेंगे, सूखा आटा लगा लिया इनमें, इसको हम पलोथन बोलते हैं, सूखे आटे को इस तरीके से थोड़ा सा बेलेंगे, एक तरफ से सिक गया इसको हम पलट देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। आलू का मसाला लेंगे, ज़्यादा सा आलू का मसाला भरेंगे इसमें, क्योंकि जितना आलू का मसाला ज़्यादा भरा जाएगा उतना ही टेस्टी पराठा बनेगा। इस तरीके से बंद कर लेंगे, एक्स्ट्रा आटा निकाल लेते हैं, दबा देंगे इसको। हमारा पराठा एक तरफ से सिक गया है,
इसमें घी लगा देंगे। घी हो या ऑयल हो जो आप पसंद करते हैं आप लगा सकते हैं इसमें, अच्छे से घी ऑयल कुछ भी लगा लो बढ़िया सा। पलट देते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया फूला फूला पराठा बन रहा है। सुबह सुबह चाय के साथ अगर ऐसे पराठे बन जाएं तो मज़ा आ जाता है खाते हैं। ये पराठा हमारा बन गया, इसको हम उतार लेते हैं। हम थोड़ा सा पॉलीथिन लगाएंगे दोनों तरफ को, हल्के हाथों से इसे भी बेलेंगे। पराठा हमने बेल लिया है, तवे पर रख देते हैं। एक तरफ से ये पक गया है, इसको पलट लेते हैं। ये देखिए पहले हम अच्छे से इसको सेक लेंगे, अब हम इसमें घी लगा लेते हैं। पलट देते हैं इसे, ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहा है पराठा। इसी तरीके से इसे पलट लेते हैं, बने ना एकदम बढ़िया आलू के पराठे। इन पराठों को दही के साथ खाओ, चटनी के साथ खाओ या फिर चाय के साथ खाओ, सबसे बढ़िया और टेस्टी पराठे। अलग पलट के इनको हम सेक लेते हैं। ये भी पराठा हमारा बन गया, इसको भी उतार लेते हैं। सारे पराठे बना लिए, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।